नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, विकास लाइफ केयर को लेकर के अब आपके मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे, क्योंकि स्टॉक पे आपको अपर सर्किट देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि काफ़ी दिनों से आप देखेंगे तो अब स्टॉक आपको एक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल आपको गिरावट की तरफ भी लेकर के चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने से स्टॉक में लगातार आपको गिरावट ही देखने को मिली है, लेकिन ये गिरावट कुछ इस तरह से हुई जैसे आपको पता ही नहीं लगा, क्योंकि स्टॉक ने बीच बीच में आपको अपर सर्किट भी दिए हैं, लेकिन जिन्होंने पोजीशन ली इसमें ऊपर ऊपर के लेवल पे ओवरऑल स्टॉक नीचे की तरफ जिस तरह से यस बैंक आपको जाते हुए दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से इस समय आपको विकास लाइफ केयर भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये होगा कि इसमें करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, एक चीज़ आपके लिए काफ़ी दिन पहले से मैंने बताया, इसमें जो खरीदारी के लेवल हैं वो कहाँ पर हैं, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमने क्या बताया है खरीदारी का लेवल, और अगर नहीं है तो मैं आपके रिप्लाई में आपको जरूर बता दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर विकास लाइफ केयर की बात करें तो आपको करना चाहिए भी बेट। अभी देखिए, बहुत से लोग हैं मार्केट में, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, मार्केट काम ही ऐसे करता है जैसे कि जो आपको वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ के कमेंट पढ़ने के बाद भी आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के। यहाँ पर दोनों ही तरह के लोग मिलेंगे, एक निगेटिव वाले और एक पॉजिटिव वाले, जो इसी स्टॉक को लेकर के निगेटिव बात बोलेंगे और इसी स्टॉक को लेकर के पॉजिटिव, और ये होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी स्टॉक चल नहीं पाएगा, कोई कंपनी में पैसा लगा नहीं पाएगा और कोई माल बेच नहीं पाएगा तो कोई खरीद भी नहीं पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोलते हैं क्या सोच, फर्क पड़ता है आप किस तरह की स्ट्रेटजी को लेकर के चलते हैं, आपका माइंडसेट किस तरफ के लिए है। अगर आप विकास लाइफ केयर को पॉजिटिव वे में लें तो आपको बहुत से इसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिलेंगे, और अगर आप इसको निगेटिव वे में लें तो आपके पास इसके निगेटिव पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, जिनके ऊपर हम आगे चल के भी बात कर लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम निगेटिव या पॉजिटिव पर इतनी ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी विकास लाइफ केयर देखिए राइट इशू अपना लेकर के आने वाले हैं, जिसकी जानकारी हमें अब कुछ दिनों में ही मिल जाएगी। तो जब विकास लाइफ केयर का राइट इशू आएगा तो उस वजह से आप देख रहे हैं स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट नहीं होने वाली है, चाहे जैसे भी हो, ऑपरेटर भी इस बात को जानते हैं। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस स्टॉक से ऑपरेटर निकल गए हैं तो ऐसा अभी कम से कम एक साल दो साल तक तो मत सोचिएगा कि इस स्टॉक से ऑपरेटर निकल चुके हैं। यहाँ पर ऑपरेटर आपको ऑल टाइम दिखाई देंगे, लेकिन कभी भी आप उनको पकड़ इस तरह से नहीं पाएंगे कि आपको एग्जैक्ट पता हो ऑपरेटर कौन है, क्योंकि उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है जो आपको कभी समझा दिया जाएगा ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं, आप बनना चाहें आप भी बन लेना। तो यहाँ पर विकास लाइफ केयर में परेशानी तो होती है, क्योंकि अगर ऊपर के लेवल पे आप एंट्री लेंगे जल्दबाजी में तो आपको ये लॉस देखना पड़ेगा, रेड चार्ट का फील लेना पड़ेगा, और इसी चीज़ को अगर आप अच्छे पोजीशन पे एंट्री लेते हैं तो आप कुछ इस तरह का चार्ट देखेंगे, ग्रीन चार्ट और पॉजिटिव रिटर्न। क्योंकि अगर यहाँ से देखें तो स्टॉक ने आपके लिए कुछ टाइम में ही काफ़ी बड़े और तगड़े रिटर्न निकाल के दे दिए थे, वहीं अगर बात करें हम स्टॉक ने उसके बाद क्या हुआ, और यहाँ पर काफ़ी बार चीज़ें बताई गई थी कि आपको बहुत संभल के रहना चाहिए, लेकिन तब आपके मन में टारगेट था 50, 100, 30, लेकिन आज वो सारे टारगेट खत्म हो चुके हैं। अभी आपके मन में टारगेट है कि ₹5 के ऊपर चला जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो दोस्तों, यहाँ पर गलती किसी की नहीं है, गलती सिर्फ आपकी है, वो इस वजह से कि आपने सोच समझ के एक सही मौके पर एंट्री ना लेकर के सिर्फ और सिर्फ जल्दी में, बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है पैसा कमाने की। बेशक ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गलत जगह फंसेंगे तो पैसा गवा के आएंगे, कमा के नहीं आएंगे। तो विकास लाइफ केयर से भी पैसा हर कोई गवा ही नहीं रहा है, कमा भी रहा है। नहीं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता दीजिएगा किस किस ने इससे पैसा कमाया है, जिससे कि दूसरे लोगों को भी पता लगे कि यहाँ पर पैसा कमाया भी जाता है। तो प्रॉफिट यहाँ से कमाया भी जाता है और गवाया भी जाता है, लेकिन गवाने वाले अगर 60 हैं तो कमाने वाले सिर्फ
10 से 20 में लेंगे, बाकी सब ऑपरेटर ले जाते हैं, जितना भी फ़ायदा या नुकसान किसी भी स्टॉक का इसमें रहता है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, आपको समझ के चलना चाहिए। विकास लाइफ केयर अभी खरीदने के लिए अच्छा नहीं कह सकता मैं प्राइस का लेवल, यहाँ से थोड़ा और आप करेक्शन की उम्मीद कीजिए, लेकिन ये करेक्शन आपको एकदम से नहीं मिलने वाला है, टाइम लगेगा पर मिल जाएगा। और अगर आप इसमें ये सोचें कि अभी बेच के निकल जाऊं, तो इस तरीके की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कुछ पैसों में आप बेच के निकल जाएं, जिसके पास खरीदने का मौका है वो खरीदने के हिसाब से बैठा रहे, बट आपको बेच के नहीं निकलना चाहिए। आपके पास अगर स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉक लिमिटेड अमाउंट में ही रखना चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और पैसा आपका इतना ही फंसा रहे, क्योंकि लंबे समय तक आपको इसको होल्ड करना होगा। कम से कम 2 साल तक आप इस कंपनी को जानिए, सोचिए, परखिए, उसके बाद आप अपना परफेक्ट डिसीजन लीजिए, जिस डिसीजन को आपको चेंज ना करना पड़े आने वाले 5 से 10 सालों में। क्योंकि बिजनेस के मॉडल को इन्होंने चेंज किया है, तो अब हमें रिजल्ट भी देखना है किस तरह से चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर हम आज के दिन अगर देखें तो आपको दिखेगा, तो अभी है मैं NSE की ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ आप देखेंगे प्रीवियस क्लोज इसकी थी 3.30 रुपये, ओपन हुआ 3.35 रुपये पे, लेकिन लो भी बनाया 3.25 रुपये का। और आपको दिखेगा सेलिंग साइड पे प्रेशर क्या बना हुआ है और बाइंग साइड किस तरह से देखने को मिल रही है। तो बाइंग साइड पे सिर्फ 9 लाख क्वान्टिटी और वहीं सेलिंग साइड पे 16 लाख क्वान्टिटी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि सेलिंग साइड पे प्रेशर बना हुआ है, इसी वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा है। और ये प्रेशर बनने की वजह भी है क्योंकि स्टॉक ने लास्ट कुछ टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। जिन लोगों की अच्छी पोजीशन है वो अभी भी प्रॉफिट में इसमें बैठे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल देखें ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इसमें लॉस में ही बैठे हुए होंगे दोस्तों। अगर हम यही चीज़ देखें तो यहाँ दोस्तों आपको दिखेगा विकास लाइफ केयर का आज के दिन का डाटा, किस तरह का वॉल्यूम स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे बीच बीच में खासकर 10 बजे के टाइम एक अच्छा वॉल्यूम स्टॉक में देखने को मिला, और वहीं आप देखेंगे करेक्ट 11 बजे के टाइम भी आपको एक सही वॉल्यूम, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक ये वॉल्यूम नहीं चलता है, कम क्वांटिटी में ही यहाँ पर ट्रेड हो रही है। लेकिन आप देखेंगे ओवरऑल स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर क्वांटिटी में दिखाई दे रहा है, माल बहुत बड़े लेवल पे नहीं उठाया जा रहा है। अगर यही माल यहाँ पर बड़े लेवल पे होता तो आपको ये प्राइस भी ऊपर जाते हुए दिखाई देता। तो आप BSE के चार्ट पे देखेंगे स्टॉक में गिरावट देखी जा रही है यहाँ पर, और जैसे जैसे वॉल्यूम आता है थोड़ा सा स्टेबल होता है स्टॉक, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम आना बंद हो जाता है, लोग माल खरीदना कम करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहीं पर सेलिंग साइड वाला पर्सन कुछ पैसे कम में भी डाल देगा कि इतने में ही मेरा माल बिक जाए। तो फिलहाल तो आपको विकास लाइफ केयर में सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, लेकिन स्टॉक को गलती से बेच के चले मत जाइएगा। लॉस बुक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉफिट करने के काफ़ी मौके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर भी पैसा बनाएंगे, तो वो आपके लिए ऐसे लेवल्स जरूर ला करके देंगे जो आने वाले टाइम में आपको खुद ब खुद दिख जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, जिसके साथ आपको मिलेंगे बहुत सारे बेनिफिट, तो आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, हमारे द्वारा फुल सपोर्ट डायरेक्ट आपको मिलेगी। तो आपको अगर अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।